मझोला थाना क्षेत्र स्थित एमएच पेट्रोल पंप पर सोमवार शाम पेट्रोल डलवा रहे दो बाइक सवार दबंगों ने सेल्समैन के पेट्रोल डालते समय हुई कहासुनी के बाद जमकर धुनाई कर दी। पेट्रोल पंप में हुई मारपीट से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में टाल 100 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने और पेट्रोल पंप के अन्य सेल्समैन ने तीन युवकों को पकड़ लिया, जबकि तीन अन्य लोग मौके से अपनी बाइक और स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फरार अन्य लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करते हुए उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। इस दौरान प्रारंभिक जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुल चार लोगों के विरुद्ध तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने मौके से एक बिना नंबर की स्कूटी को सीज किया। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन शिवम बाइक में पेट्रोल डाल रहा था। इस दौरान तेल कम डालने का आरोप लगाते हुए इमरान, फयाज, नाजिम और फहीम ने सेल्समैन के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चारों को अरेस्ट कर लिया। मतनगर करूला पे मैनेजर हूँ। ये छह लड़के दो बाइक को पाए, एक स्कूटी और एक अपाची थी। उस पर आने के बाद लड़के से टंकी फुल कराई, नोजल टंकी फुल होने के बाद कट मारती है क्योंकि वो तेल बाहर ना निकले इसलिए। तो इस लड़के ने कहा, वो लड़के बोले कट क्यों मारा, तो इस लड़का बोला टंकी फुल हो गई। तो उस पर उनसे मारा पीटी की, बदतमीजी करी, उसके भाई से बहुत मारा। फिर हम लोग वहाँ मशीन पे गए, उसको बचा के मझोला थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पे सेल्समैन की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। सर क्या प्रकार था, क्या कार्रवाई इस मामले में? ये सामने आया है कि कल पेट्रोल पंप पे कुछ लड़के वहाँ पे तेल डलवाने आए थे, फिर वहाँ पे सेल्समैन के साथ उनकी कुछ बात हुई है, तो उसी दौरान उनका आपस में झगड़ा हुआ है। और एक आदमी का जो सेल्समैन था, उनको जो लड़के थे, ये चार लड़के थे जिन्होंने उनको वहाँ पे पीटा है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी थे और इसकी सीसीटीवी में फुटेज भी आई है। तो जो सेल्समैन पीटे हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है थाने पे। तो जब वो थाने पे तहरीर आई, उस आधार पे यहाँ पे एक एनसीआर दर्ज हुई है। तो एनसीआर के बिना